फ्रेंड, आज मैं आपके लिए फिर से दोबारा से आपके लिए काफी बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूं, जिसके अंदर पहले स्टॉक काफी बेहतरीन स्टॉक है और उसी के साथ साथ मैं आज आपको ऐसे स्टॉक देने बताने जा रहा हूं जिसके अंदर काफी ज्यादा मल्टीपेकर रिटर्न देने वाले पोजीशन रखने वाले स्टॉक आज आपके लिए लेकर आ रहा हूं। इन स्टॉकों के फंडामेंटल्स भी काफी बेहतरीन, काफी फंडामेंटल भी काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ में काफी इसकी प्रमोटर होल्डिंग भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग भी लगातार इनों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऐसे स्टॉक है जिस स्टॉक की मैं आज बात करने वाला हूँ जो सेमीकंडक्टर बनाता है, जैसे कि आपको पता है चाइना से या जापान से ऐसे अब इंपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं सेमीकंडक्टर, होती कोशिश जितना भी है, इंडिया ये चाह रहा है कि सेमीकंडक्टर अपन खुद बनाए जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो और इंडिया को ही इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जिससे काफ़ी जैसे जो अपन मटेरियल यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम यूज़ करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि मोबाइल्स वगैरह या कोई भी अपन इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, इंडिया में ही बनेगा और उसके सेमीकंडक्टर सारी चीज़ें इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी, इससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा इंडिया को और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, इससे कंपनी को भी प्रॉफिट होने वाला है। उसी के साथ साथ में जो पेनी स्ट्रोक होने वाले हैं, जो जिस कंपनी को पेनी स्ट्रोक छोटी कंपनी थी पर उसको कोई काम नहीं मिलता था, ये सेमीकंडक्टर बनाती थी या सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर वाली जो कंपनियां थी वो उन लोगों को काम नहीं मिल रहा था, बट गवर्नमेंट के अनाउंस के बाद में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें इंडिया में ही बनने वाली, मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, तो छोटी से लेकर बड़ी कंपनी भी अब सेमीकंडक्टर बनाने में लग गई है, जिसमें पेनी स्टॉक भी काफ़ी ऐसे पेनी स्टॉक छोटी छोटी जो कंपनियां हैं वो सेमीकंडक्टर बनाती थी पहले भी, वो उन कंपनियों की काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो ऐसे ही स्टॉक आज मैं आपके लिए वेरीफाई करके ढूंढ कर लेकर आया हूं, जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल रिटर्न देखने को मिलने वाला है। तो सीधा ही बढ़ते हैं स्टॉकों की तरफ, स्टॉकों के बारे में जानते हैं, फंडामेंटल जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसमें सबसे पहला जो स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूँ जो 2 रुपये 17 रुपये पैसे का आपको देखने को मिल रहा है, इससे भी 53 पैसे का स्टॉक भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो सेमीकंडक्टर बनाता है, ऐसा स्टॉक भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो देख सकते हैं वनडे के अंदर इसने 4.83% की तेजी दिखाता हुआ ये अब जम करता हुआ नजर आ रहा है और 10% की एक दिन में ही 0.10 पैसे की इसमें तेजी देखने को मिली है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, काफ़ी अपसाइड मूवमेंट बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये स्टॉक का नाम यहाँ पे देख सकते हैं अभी वीकी कैपिटल लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं और उसको रिडार में रख सकते हैं। ये कंपनी आपको सेमीकंडक्टर बनाती नहीं है, ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, पर ये कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, इस कंपनी के अंदर भी काफ़ी प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए मैंने ये स्टॉक पहले आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ जैसे जो कि सेमीकंडक्टर बनाती है, यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का नाम यहाँ पे देख सकते हैं पेरेकल इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम यहाँ पे देख सकते हैं और ये 92 में स्टेब्लिश हो गई थी, इलेक्ट्रिक के अंदर ये बनाती हुई मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नजर आती है। उसके सेमीकंडक्टर यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट एंड द सेमीकंडक्टर एंड अदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये कंपनी ये से अदर चीज़ें भी बनाती है सेमीकंडक्टर के अलावा भी। तो की पॉइंट्स के अंदर आपको सारी चीज़ें डिटेल्स के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, इसकी कंपनी कहाँ है जो गुजरात के अंदर सूरत के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी और उसके साथ साथ कंपनी की सारी डिटेल्स के अंदर की पॉइंट्स में आपको देखने को मिल जाएगी, रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट होता है, कितना जनरेट हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है ओनली ऑन यहाँ पर देख सकते 0.18 करोड़ रुपए देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंपनियों में आपको सबसे पहले क्या करना है, रिक्स वाली काफ़ी ज़्यादा रिक्स वाली कंपनी है, इसके अंदर आपको ऐसा ही करना है कि जिसके अंदर आप 500 या 1000 रुपीज़ लगा सकें और इन लगाकर ऐसा है कि आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जिसपे आपने खर्चा कर दिया, अगर ये स्टॉक चल गया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर वाली कंपनियों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसी कंपनियां भी काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिखाती हुई नजर आ रही है। इसका फेस वैल्यू भी ज़्यादा देख सकते हैं, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, एंटरप्राइज वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पर 10 करोड़ रुपये की एंटरप्राइज वैल्यू बताई जा रही है। देख सकते हैं इस कंपनी का काम का जितना बढ़िया है कि इसकी एंटरप्राइज वैल्यू भी 10 करोड़ रुपये की आकी गई है, जिसके अंदर ये इतनी होती हुई नजर आएगी और बुक वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव में आपको जरूर देखने को मिल रहा है, अगर एंटरप्राइज वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर जाती हुई नजर आती है तो आपका जो पैसा है 1000 गुना आपका पैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा, मैं 1000 से भी ज़्यादा 10000 तक आपका पैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि इसका कंपनी का जो एंटरप्राइज वैल्यू ये आंका गया है गवर्नमेंट की तरफ से, सेबी की तरफ से ये कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू बनता हुआ नजर आता है, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कंपनी के पास टोटल एसेट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, अपने मार्केट कैप से भी ज़्यादा टोटल एसेट्स है कंपनी के पास में, यहाँ पे देख सकते 8.14 करोड़ रुपये कंपनी के पास टोटल एसेट्स है। इंडस्ट्री पी भी यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे 45.2 देखने को मिला, इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट ये एक बोल रहा हूँ कि कंपनी ये जब चल गई तो आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा बड़ा, रिक्स भी जितना ज़्यादा है उसका भी ज़्यादा प्रॉफिट इसके अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 1000 रुपये के अंदर आप 53 पैसे के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिला 1886 के आसपास आपको शेयर्स आपके पास में पोर्टफोलियो में बनते हुए नजर आएंगे। 1000 रुपये अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस स्टॉक के अंदर तो आपको इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसी के साथ साथ में आपको जो स्टॉक्स हैं शेयर्स हैं आपके पास में 1886 मतलब कि 1886 स्टॉक्स आपके पास में आ जाएंगे, बट उससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है जब कंपनी का अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनता है, एंटरप्राइज वैल्यू के आसपास आके गई कंपनी के आसपास जाता हुआ नजर आया तो काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग है आपको देखने को मिलेगी 35.9% आपको प्रॉफिट यहाँ पे जो होल्डिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है।
यहाँ पे हमारी जो सेकंड कंपनी आपको देखने को मिलेगी वो 29 रुपीज की आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं वन डे के अंदर 1.93% का इसमें अब जंप देखने को मिला है, और उसी के साथ साथ आपको 0.55% की आपको तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे माइक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी का नाम आपको देखने को मिल रहा है। ये कंपनी भी सेमीकंडक्टर वगैरह कंपनी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वगैरह बनाती है, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उस चीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। जैसा कि मैंने यहाँ पे देख सकते हैं माइक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी का नाम आपको मैंने पहले बता दिया है, ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी ओनली ऑन यहाँ पे आपको 29 रुपीज में अंदर। पर ये कंपनी आपको देखने को जो इसका काम काज है डेवलपमेंट एंड मैनुफेक्चरिंग LED वीडियो डिस्प्ले एंड हाई इलेक्ट्रिक एंड द टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट द डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी टेलीकॉम सॉफ्टवेयर के अंदर कामकाज करती हुई नजर आती है कंपनी। और इसकी देख सकते हैं जो मार्केट कैप है, काफ़ी बढ़िया मार्केट कैप देखा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का 642 करोड़ रुपए मार्केट कैप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो बुक वैल्यू है इसका देख सकते हैं 2.85 रुपीज़ देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं करंट प्राइस यहाँ पे देखने को मिला 52 वीक का हाई और लो है आपको, ये 30 रुपीज़ हाई और लो इसका 10 रुपीज़ देखने को मिल जाता है। पी रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है जो आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसका ROE की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.41% आपको ROE देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में ROIC की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.14% आपको देखने को 42% देखने को मिल जाता है। कंपनी के ऊपर डेट की बात की जाए सिर्फ 16 करोड़ रुपये कंपनी के पास डेट देखने को मिल जाता है, जो कर्जा देखने को मिल जाता है। जो मैंने पहले कंपनी बताई उस पर ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं, उस पर कोई भी कर्जा देखने को नहीं मिला था अपन को, बट इस कंपनी में 16 करोड़ रुपये कर्जा आपको देखने को मिल जाता है। और आपको 53 पैसे के अंदर वो कंपनी आपको देखने को मिल रही थी, ये 29 रुपीज़ में आपको ये कंपनी देखने को मिल रही है। उसके साथ अगर मैं बात करूँ एंटरप्राइज वैल्यू की तो कंपनी की यहाँ पर ऑलमोस्ट कंपनी की जो एंटरप्राइज वैल्यू है उसी के आसपास कंपनी यहाँ पे मार्केट वैल्यू आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आसपास में ही आपका यहाँ पर मार्केट वैल्यू देखने को मिल जाता है। उसके साथ मैं यहाँ पर बात करें टोटल असेट्स की, जब 87.4 करोड़ रुपये आपको देखने को मिल जाता है, और रिजर्व भी काफ़ी अच्छा 18.7 करोड़ रुपये देखने को मिल जाता है, रिटर्न इक्विटी काफ़ी अच्छी, प्रमोट रोलिंग 74.6% आपको देखने को मिल जाती है। एंड इसकी एंटरप्राइज वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पे 1 रुपीज़ इसकी एंटरप्राइज वैल्यू बताई गई है। कंपनी का कामकाज काफ़ी अच्छा है वैसे देखने को, लास्ट ईयर की बात की जाए तो 1.13% आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। उसके साथ में सेल्स ग्रोथ की बात की जाए 131 करोड़ रुपये आपको देखने को मिल जाता है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ में कंपनी का अच्छा अंदर, और इसका नेक्स्ट स्टॉक आप यहाँ पे हमारा फाइनल जो स्टॉक है यहाँ पे देख सकते हैं आस्क सॉफ्ट लिमिटेड कंपनी का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। मैं सीधा ही नाम बता रहा हूँ, उसके बाद में आपको डिटेल्स वगैरह बता रहा हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ पे स्किप करना नहीं है, इसका फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करना है, और मुझको डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो कंपलसरी मैं किसी भी आप स्टॉक को बता नाम बता सकते हैं, उस पर कंपलसरी वीडियो बना दूंगा आपको, उसके अंदर सारी डिटेल्स के ऊपर और डेडिकेट वगैरह आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए सारी चीज़ आपको उसके अंदर बता दी जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो 5 डे के अंदर 8.93% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। उसके साथ में 28 रुपीज़ का इसका हाई 5 डे के अंदर ही आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ 10% का आपको ओनली 5 डे के अंदर ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी भी आपको सेमीकंडक्टर बनाती हुई नजर आती है कंपनी। इसका अगर मैं करंट प्राइस अगर मार्केट कैप की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 3.49 ट्रिलियन करोड़ रुपये कंपनी का मार्केट कैप है। पी रेशियो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 42.08% देखने को मिल जाता है। डिविडेंड भी कंपनी देती है 0.20% आपको ईयरली में, आपको लास्ट ईयर में देखने को मिल रहा है। उसके साथ में कंपनी यहाँ पर बात की जाए इस कंपनी का सारा जो बिजनेस मॉडल है यहाँ पे देख सकते हैं UK और USA के साथ में ही कंपनी का कामकाज होता है, और कंपनी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कामकाज बिजनेस करती है कंपनी UK और USA। तो इसके सारा जो बिजनेस मॉडल है ओनली जो रेवेन्यू जनरेट होता है UK और USA से ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नजर आता है। इसके अंदर अगर मार्केट कैप इसकी मार्केट कैप देख सकते हैं कंपनी का 3,636 करोड़ रुपये देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ करंट प्राइस की बात करें 344 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। 52 वीक का हाई और लो यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे ही अगर आपकी इस कंपनी का बुक वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, बुक वैल्यू आपको 38.3 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ में आप 40 रुपीज़ का इसका पी रेशो, 28 का ROC और यहाँ पे 22 का ROE देखने को मिल रहा है। वहीं अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो 1 रुपीज़ आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी के अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं 9 करोड़ रुपये कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसके साथ में रिजर्व भी काफ़ी अच्छा कंपनी के पास में 394 करोड़ रुपये कंपनी के पास रिजर्व पड़ा है। टोटल असेट्स की बात करूँ तो कंपनी के पास 568 करोड़ रुपये कंपनी के पास रिजर्व भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर अगर बात करें फ्री कैश फ्लो की तो कंपनी के पास 76.4 करोड़ रुपये कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है। FIODAs की इसके अंदर इस कंपनी के अंदर देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते 66.9% कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ FIS की तो FIS के अंदर FIS की होल्डिंग यहाँ पे 4.72% आपको देखने को मिल रही है। उसके रिटर्न इक्विटी की बात करें तो कंपनी के पास 27.7% यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है रिटर्न इक्विटी। उसके साथ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू की बात की जाए तो कंपनी के पास इंट्रेंसिक वैल्यू है तो यहाँ पे देख सकते 1.98 रुपीज़ आपको देखने को मिल जाती है जो एंटरप्राइज कंपनी की वैल्यूएशन एक्चुअल में होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर जो कंपनी की एक्चुअल करंट प्राइस है तो वो यहाँ पे चल रही है 344
रुपीज आपको देखने को मिल रहा है। कंपाउंडिंग अगर कंपनी की अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है कंपनी का 41% आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर अगर सेल्स ग्रोथ की बात करो तो 22.9% देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कंपनी का लास्ट ईयर की रिटर्न की बात की जाए तो 12.3% आपको देखने को मिल रहा है। अगर हाई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट हो रहा है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। जो बेल आइकन का बटन है उसे ऑल पे हिट कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको बढ़िया बढ़िया स्टॉक के बारे में रिलेटेड के बारे में आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको सबसे पहले अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।